आपका ये जो प्रश्न है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो इसके बारे में सबसे पहले, क्योंकि हम अक्सर ये आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, तो आजकल वेस्ट ने एज़ यूजुअल इसको एक धंधा बना दिया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उदाहरण के लिए मॉनरो इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। आपको बहुत सारे लोगों की जो डिग्रीज वो लेके बैठे हुए हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो लोग कराते हैं उनके में आपको दिखेगा कि मॉनरो इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई करी है, अपनी डिग्री ली है। ये वही इंस्टीट्यूट है जो CIA, जो कि USA की, जो वहाँ की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में रॉ होता है वैसे ही USA में CIA है। तो जो CIA है उन्होंने जो मेजर प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करे हैं, उदाहरण के लिए जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करा था जो सेंस मेकिंग यानी कि जो साइकोकाइनेसिस करने की एबिलिटीज रखते हैं, जो लोग टेलीपैथिक एबिलिटीज रखते हैं, वो जो एबिलिटीज हैं उन लोगों के साथ CIA ने काम करा था। किस प्रोजेक्ट में काम करा था? प्रोजेक्ट स्टारगेट। बहुत सारे इसके इतने सारे नाम बदले गए इस प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट गोंडोला विश रखा गया, अलग अलग नाम रखे गए। और उसी के साथ जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था CIA का जिसमें मॉनरो इंस्टीट्यूट ने काम करा था, वो था प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस। उस गेटवे प्रोसेस के बारे में हमने कुछ समय पहले भी बात करी थी। अब आप समझिए कि उस गेटवे प्रोसेस में जो CIA काम कर रहा है, मॉनरो इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा है, वो क्या विधि यूज कर रहे थे। उनका सबसे पहला एम था कि इंसान जो है उसको पहले रिलैक्स करना है। उसके लिए उन्होंने टेक्निक्स का इस्तेमाल करा था। कौन सी टेक्निक? टेक्निक का नाम है हेमिसिंक। शब्द है, बस अभी सुनते जाए, अभी हेमिसिंक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या किया गया कि ऑडियो टेप्स लगाए, ऑडियो टेप्स आपके कानों में ईयरफोन्स लगाए, एक कान में एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी प्ले की जाती है, दूसरे कान में दूसरी फ्रीक्वेंसी प्ले की जाती है, उन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी पर इंसान आ जाता है, इस प्रकार के अजम्पशंस थे। 432, 436 ये फ्रीक्वेंसीज उन्होंने प्ले करी थी और उसी को कहा जाता है, अगर ये माइनस कर देते हैं उसे बोला जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। ये बाइनॉरल बीट्स की फ्रीक्वेंसी थी। तो वो जो माइनस करके जो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है जिस पर इंसान पहुंच जाता है, इंसान का जो ब्रेन है वो जो ब्रेन वेव्स को अगर आप ईजी मशीन यूज करके देखेंगे उन ब्रेन वेव्स को, तो वो जो वेव्स है वो बीट फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हो जाती है, वो रेजोनेट करने लग जाती है। और उसमें पाया जाता है कि इंसान इस समय एक बहुत ही स्टेबल कंडीशन में पहुंच चुका है। जैसे ही इंसान एक ऐसी स्थिति पर पहुंच रहा है, कैसी स्थिति, कि एक नदी है लेकिन उस नदी में कोई लहरें नहीं है, वो जो नदी है एकदम स्टिल है। जब आपके घर का जो पंखा चल रहा है जब तक उसे रोकोगे नहीं, सफाई पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार से जब तक वो नदी रुकेगी नहीं उसको ऑब्जर्व करने में दिक्कत होगी। और वहीं पर सारा खजाना छुपा होता है। तो उसमें पाया गया कि जैसे ही इंसान ऐसी स्टेट पर पहुंच रहा है, बीट फ्रीक्वेंसीज करें गेटवे प्रोसेस में, जैसे इंसान इस स्थिति पर पहुंचता है तो वो कुछ इस प्रकार की साइकोकाइनेसिस वाली एबिलिटीज, टेलीपैथिक एबिलिटीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने की जो एबिलिटीज है वो उसे डेवलप कर पा रहा है। क्योंकि उरी गेलर जैसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया था प्रोजेक्ट स्टारगेट में। उरी गेलर बहुत बड़े इंसान है, बहुत सारी एबिलिटीज थी उनके पास, ऐसा इन लोगों ने बताया है ऐसा, और पैदाइशी एबिलिटीज थी, बाय बर्थ उनके पास एबिलिटीज थी। कि वो साइकोकाइनेसिस का अर्थ होता है कि आपने कोई चीज देखी और केवल आपके देखने मात्र से सामने जो ऑब्जेक्ट रखी है वो ऑब्जेक्ट की कोई मूवमेंट हो पाए। आपने कोई किताब देखी, आपने किताब पर ध्यान लगाया और वो किताब गिर जाए, किताब की मूवमेंट हो जाए, उसे कहा जाता है साइकोकाइनेसिस। टेलीपैथी आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार की बहुत एक्सट्रीम एबिलिटीज, और इसी को शब्द, दूसरा शब्द है सेंस मेकिंग, ये एबिलिटीज उरी गेलर के पास थी और ऐसे कुछ लोगों के साथ CIA ने काम करा था। अब जो वेस्ट है उसकी दिमाग आप जानते हैं, उसका दिमाग हमेशा रहेगा कि क्या हम लोग ऐसे अपने ही खुद के एजेंट्स डेवलप कर पाएंगे जिनके पास ये साइकोकाइनेसिस वाली एबिलिटीज है। क्योंकि आप समझिए, चाहे आप टेलीपैथी का आपका प्रश्न हो, चाहे आपका प्रश्न हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, चाहे आपका प्रश्न हो साइकोकाइनेसिस का।
माध्यम जो प्रोसेस है उसमें स्टार्टिंग के स्टेप्स आपके हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप इसी तय से समझिएगा, इसी डेप्थ से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप रिलैक्सेशन, उसके बाद मन ख़त्म होना, और उसके लिए समय लगता है क्योंकि इतने सालों की हमारी मेहनत है। आप देखिए अपनी उम्र देखिए कि अगर आपकी उम्र है 40 साल, 40 साल आपने इतनी मेहनत करी है, इतना मन डेवलप करा है अपना, तो अब एक पल में कोई इंसान आए और आपके मन को ख़त्म कर दे तो वो तो आपकी निंदा हो जाएगी। अब आप देखिए ना, बात तो ये है, अब इतने साल लगाए हैं इतने मन को स्ट्रॉन्ग करने में, तो अब कुछ समय तो लगेगा, लेकिन कितना समय लगेगा? जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही समय लगेगा। तो अब CIA ने ऐसे लोगों को बनाने की कोशिश करी। CIA ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स तक, जो कि मान लीजिए बहुत सारी शिप्स आ रही हैं और उन्हें पता लगाना है कि एक कोई ऐसी शिप है, कोई ऐसी शिपमेंट है जिसमें ड्रग्स, कोकेन, ये सब कुछ लोडेड है, अब उन्हें पता लगाना है। तो फिर इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ये सारी डिफेंस, ये सारा कुछ CIA के अंदर था, और उन्होंने साइकोकाइनेसिस और टेलीपैथिक एबिलिटीज़ का, सेंस मेकिंग वाली जो एबिलिटीज़ होती है, उन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके ये चीज़ें पता लगाई हैं। और कहा जाता है कि ऐसे कुछ लोगों के ब्रेन को वो ट्रेन करने में सक्षम हुए हैं सिर्फ यही बीट फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करके। कितना सक्षम हुए हैं वो उसके आगे डिस्क्लोज नहीं किया गया। इनफैक्ट जो गेटवे प्रोसेस था उसके कुछ पेजेस भी बाद में ही उन्होंने डिस्क्लोज करे, वो भी बाद में डिस्क्लोज करे, अभी भी शायद पूरा डॉक्यूमेंट सही से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो अब आप ये समझिए कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो एक नाम है जो बहुत फेमस है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो सबसे फेमस नाम है, उन्होंने बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करी है और बहुत ही सक्सेसफुल उनके रिजल्ट्स आए हैं, वो है डॉक्टर ब्रायन वीस। उनकी बहुत सारी किताबें भी अवेलेबल हैं। आप उनकी किताब का जो पहला चैप्टर जो है, डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाएंगे आप, आपको बहुत लगेगा अरे ये कैसे, क्योंकि उनका जो पहला चैप्टर है, जो डॉक्टर ब्रायन वीस की ये जो पूरी जर्नी है वो शुरू ही उससे हुई, उस इंसिडेंट से हुई जिसमें खुद वो इतना शॉक में आ गए, इसलिए वो पहला चैप्टर उन्होंने बनाया अपनी किताब का। उसमें वो कहते हैं कि उनकी एक पेशेंट थी, तो वो अपनी पेशेंट को मतलब हिप्नोथेरेपी जो सेशन होता है वो दे रहे थे, और उनकी पेशेंट कैथरीन करके उनका नाम था, और उनकी पेशेंट ने जो डॉक्टर ब्रायन वीस है उनकी लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बोल दिए थे, यानी कि उनका एक बेटा था जो बहुत छोटे में ही जिसकी डेथ हो गई थी, और उसका नाम क्या था जो डॉक्टर ब्रायन वीस ने कभी किसी से शेयर भी नहीं करा कि मेरा एक छोटा बेटा भी हुआ था जो बर्थ के कुछ ही समय बाद ही मर गया था, उसका नाम ये था। वो सारी बातें उस कैथरीन जो उनकी पेशेंट थी अपने हिप्नोथेरेपी सेशन के दौरान उन्होंने डॉक्टर ब्रायन वीस के बारे में बता दी। ये उनका पहला चैप्टर है और डॉक्टर ब्रायन वीस के लिए बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही शॉकिंग था। अब ये हमने सुना एकदम लेटेस्ट का आपको केस। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आपने अपने साधुओं के बारे में सुने होंगे, आपने संतों के बारे में सुने होंगे। इनफैक्ट यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी रहती हैं और ऐसे कुछ संत होते हैं जो आपको देखकर ही आपके बारे में बहुत सारा चीज़ें बता पाते हैं। आपका जाति स्मरण ज्ञान क्या है? जाति स्मरण ज्ञान का अर्थ है कि आपको अपने पिछले जन्म सारे दिख जाएं। उसे कहा जाता है, उसको शब्द दिया जाता है जैन में, जाति स्मरण ज्ञान।